अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज सर छोटू राम धर्मशाला झज्जर में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति समाज के प्रतिष्ठित लोगों की मीटिंग कैप्टन राज सिंह दुब्बलधन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 12/8/2018 को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यशपाल मलिक जी व हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जसिया रोहतक के अंदर जो फैसला लिया गया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को 9 जिले के किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 9 जिलों के निजी किसी भी गांव में अगर यह आते हैं तो झज्जर जिला व समस्त हरियाणा प्रदेश के लोग विरोध करेंगे। सरकार ने 19 मार्च दिल्ली हरियाणा भवन में जो समझौता समाज के साथ किया था, जैसे हरियाणा व केंद्र में आरक्षण, जेलों में बंद युवकों की रिहाई, आंदोलन के दौरान सभी मुकदमे खारिज, इन सभी समझौतों को तुरंत लागू करें। इस दौरान सैकड़ों लोगों की एक कमेटी भी तैयार की गई थी जो आपात स्थिति में अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। वह जो भी फैसला करेगी पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत एकजुट होकर उस फैसले का पालन करेगा। इस अवसर पर जिले के विभिन्न गांवों के लोग उपस्थित रहे। बताएंगे आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति जिला झज्जर की कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें हमारे दो मानदंडे थे। एक जो 9 जिलों में कैप्टन अभिमन्यु और मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन करने की बातें 12 तारीख को दसिया के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिक जी ने जो आदेश दिया था उस पर चर्चा जिला तनमंदन से और शांतिपूर्व प्रदर्शन वो करेगा। हम किसी शहर में नहीं करेंगे, जहां हमारे समाज के छत्तीस बिरादरी के भाई रहते हैं गांव में देहात में, वहां उनका प्रदर्शन करेंगे। जैसे पता लगेगा हमने शहर के अंदर आ रहे हैं तो हम अपने गांव में वहां जा से निकलेंगे, वहां उनका काले झंडे दिखा करके अपना शांति प्रदर्शन करेंगे। और सरकार आने को हथकंडे अपना करके जो ये झूठे मुकदमों में हमारी कमेटी से उठाना चाहती है ये अपने दिमाग से निकाल दे। ना ये कमेटी और ना ये समाज इन मुकदमों से और इनके जो जेलों में जाने की धसखड़ी से लड़ने वाला है। हम अपने समाज के प्रति हमारी मांगे पूरी करें और सरकार ना हमने कोई समझौते की बात जो हमारी मांगे 19 तारीख को दिल्ली में समझौता हुआ था उसमें ये सरकार अपने उस समझौते से पीछे हटी है, समाज नहीं हटा है। समाज आज भी तैयार है, चाहे दिल्ली कूच की बात हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से आदेश करेंगे हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। हमारी मांगे सरकार जल्दी से पूरी कर दे, ये हथकंडे अपनाने छोड़ दे। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करने के बाद हम क्यों किसका विरोध करेंगे, तो यही हमारी विनती है। उसके लिए ना हम जेल में जाने से डरते, ना हम गोली छाते में खाने से डरते, जो हमारे भाई पहले भी साथ दे चुके हैं। तो हमारे शांतिपूर्व हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। सरकार जो ये झूठे आरोप लगा करके कुछ चंदे का सारी बातें मलिक साहब ने बता दी, कोई चंदे का झगड़ा नहीं। हर रोज कमेटी अपने आप धरने के ऊपर सारे चंदे का हिसाब दे चुकी है और किसी भाई ने लेना तो उस जिले कमेटी से ले। हमारे जिले में किसी दिक्कत हो कोई भी चंदे का कोई मामला नहीं है। ये कुछ लोग निजी स्वार्थी लोग है, ये सरकार अखंडे अपना रही है ताकि हमारा समाज और छत्तीसगढ़ का भाईचारा टूट रहे नाकाम साबित हुई है। और इसके विरोध के लिए अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो मध्य प्रदेश राजस्थान हमारी कमेटी की जिम्मेवारी लगाई गई है। हम वहां जाकर के इस बीजेपी सरकार के बारे में सारी बातें हरियाणा में जो हमारे दुख के संकट साधित हुई और जो जेलों में झूठे केस मारे गए वो सारी बातें उन भाइयों को बताएंगे और इस सरकार को वहां से भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आजाद हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।